आगे दिखा यार। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं 14 अगस्त की वीडियो बनाने के लिए। आज है दिन 14 अगस्त का, तो 14 अगस्त की जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। और हमेशा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ये चौक हमारा वाला मुल्तान में चौक हमारा वाला मेन चौक है, उसके चौक के नीचे ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। गुजर गए आप तो खैर कोई बात नहीं। तो आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हुए जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं कर पाई। तो उसके बाद जो है तैयार हो के, मैं तो तैयार हूँ, बाकी लोगों ने तैयार, मेरी तैयारी तो आपने देख ली है, नेल ब्रश भी लगा ली है, कपड़े शपड़े पहन लिए, थोड़े से और मैंने चीज़ें वगैरह पहननी है, और फिर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा गुस्सा रहना था, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, गरीबों का अल्लाह मालिक है। तो तीन सूट मैंने रख लिए हैं, देखो कौन सा जो है वो पहनूं। कि मैंने न्यू कुछ भी नहीं लिया, सारे पुराने ही हैं। न्यू एक जो है वो पोंचो लिया है, जो आप देखेंगे वीडियो में। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ, और आपको बताते हैं कि आज क्या क्या होना है, किस किस तरह हमने वीडियो बनाई और क्या क्या हमारे साथ हुआ। आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन धूप निकली हुई है, कभी धूप निकलती है कभी धूप चली जाती है। ये आँख में चोली खेल रही है हमारे साथ। और ये है हमारे मुल्तान की गली नहीं सॉरी, ये तो रोड है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है ऊपर, ज़बरदस्त वाली। वैसे देखो जहाँ आप रहते हैं वो माड़ा भी हो तो आपको अच्छा लगता है। तो जो है ना, तो हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मैंने वीडियो कैप्चर की थी जो कि मेरे लगता हुई नहीं है, जब मैं प्लेटफॉर्म पे थी। चले जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेन आते हुए कैसा मंजर होता है। ये ट्रेन जी आ रही है, ऊपर जो है वो बत्ती चल रही है, मतलब लाइट चल रही है। और अभी अभी हम पहुँचे हैं, अब हम जो है वो वीडियो जो है वो शूट करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखें मैंने कितना अच्छा कैप्चर किया। ट्रेन आई और यहाँ पे इसने रुक जाना है, मुझे लगा ये जा रही है, लेकिन यहाँ पे रुक जाएगी। और इसी ट्रेन में मैंने वीडियो जो है वो कैप्चर की है। तो जी हम आ गए हैं पटरी पे, पटरियों पे सॉरी। तो यहाँ पे ना हमने देखा है कुछ डब्बे जो है ना वो खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ पे वीडियो जो है बना रहे, क्योंकि रशी एरिया में नहीं बनाते, पब्लिक प्लेस है। तो हम जैसे ही आए वहाँ, इतनी दूर से नीचे उतर के पटरियों पे पैदल और गठरी उठा के, तो आगे हमने देखा कि जो ट्रेन के डब्बे खड़े हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो ट्रेन के डब्बे जो है ना वो बंद पड़े, मतलब उनको लॉक लगे हुए हैं, वो मतलब वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। तो फिर हमने क्या किया कि इतनी दूर से चल के आने के बाद ये देखे, ये ट्रेन के डब्बे खड़े हैं बट ये बंद है, ये लॉक थे। तो मैं वैसे यहाँ पे, मुझे पता नहीं था कि लॉक है, लेकिन जब पता चला तो ये रिएक्शन हुआ। तो फिर अब हम क्या करें, हमने सोचा कि इसको खोलने की ट्राई करते हैं बट नहीं खुले वो, और फिर हमें वापस जाना पड़ा। फिर वापस आके मैं ये पहले गठरी जैसे बनाई थी वो हमने कैप्चर किया था, साथ हमने स्लोमो जो है वो बनाए थे। वो भी मैंने कहा आपको बता दूँ, सॉन्ग नहीं लगा सकती वरना आपको पता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो वीडियो जिसके लिए मैं स्टेशन पे आई थी। तो ये 1947 की वो व्यूज़ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक लड़की जो है वो पाकिस्तान पहुंची और उसके क्या तासुरात थे, और किस तरह वो पाकिस्तान इंटर होते ही इतनी खुशी होती है, और फिर देखती है वो अकेली है, क्योंकि तब बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपनों से जुदा हो गए थे, बहुत सारे लोग अकेले आए थे, फैमिलियों के साथ आए थे। और उसके बाद मैंने किया क्या है कि 75 साल गुजरने के बाद वो लड़की जो है वो पाकिस्तान में खुश है और सब सेट है। तो ये मकसद था वीडियो बनाने का, 1947 से 2022 तक की वीडियो। वो सारे सिग्नल रेड हो गए।
अब इसके सामने से कोई नहीं बोलेगा। यार चाले लगे तो बड़ा है यार, क्या कर सकता है, टाइम बड़ा ना यार यार। तू सामने सुना, आवाज सुनिए, आएगी माइक लेके नहीं है बट एकदम बाद में कर दूंगा। ओके क्या बोलो, एंडिंग करो YouTube हाँ। पे रोशनी आ रही है उधर ना जी, भी उधर जाए आ रही। ओके गाइस, ये हमारी यूट्यूब की वीडियो जो है वो कंप्लीट होगी। व्लॉग आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड फॉलो जरूर कर दीजिएगा। न्यूज़ जो वेस्ट आए तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय टाटा। रुके रुके, आपको लगा कि ये वीडियो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने वीडियो को वाइंड अप किया है सिर्फ स्टेशन तक, आगे का जो आधा दिन है उसकी वीडियो अभी रहती है। तो कहीं मत जाइएगा, हम घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आज क्या क्या किया वो आपको दिखाते हैं। हम घर पहुंच गए और घर आते ही मैंने बाथ लेके अपना नया ड्रेस पहन लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, और साथ में मैंने बिरयानी बनाई है। सब्ज़ मिर्ची अभी तो काट रही हूँ और रायता बनाया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी की शेप जो है वो क्या है। और भाई मेरा बार बार कह रहा है भाभी को कि वो व्लॉग में ना आए ना आए ना आए, लेकिन वो बार बार जो है वो इधर उधर चीज़ें उठाने के लिए आ रही हैं। तो भाई को आ रहा है गुस्सा। शामी का तो मुझे पता ही चला, ये शामी और ये कौन सा गोश्त है, कीमा। एक सवेरी एक शामी। हाँ एक सवेरी और एक शामी। अच्छा मैं दीदी खा आप। तो अब हम सब तैयार होके पूरी फैमिली जा रही है 14 अगस्त को मनाने के लिए। तो देखिए हम कहाँ जाते हैं, हमने सुना है कि कॉलोनी बहुत अच्छी जो है वो डेकोरेट हुई है, हम वही जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं हो आई हूँ, मैं टप कर रही हूँ, तो मुझे मैं वहाँ जहाँ भी खड़ी होती थी वहाँ पर रश लग जाता था और लोग पिक्चर वीडियो के लिए बोल रहे थे। तो फिर भाई लोगों ने कहा कि नहीं भैया ये सही नहीं है। चलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की रौनक जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। देखिए लोगों का हजूम देखिए माशाल्लाह से। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय मेरे और बहुत ही सुनसान था, ठीक है। लेकिन इस दफा वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही क्योंकि माशाल्लाह से रश इतना है। मेरे भाई इधर क्यों आ, उधर क्यों जा रहे हो? और इस दफा माशाल्लाह से मुझे देख के खुशी हो रही है कि देखो हमें हमारा हर ओकेजन जो है, हमारा हर त्योहार जो है वो बहुत ही पुरजोर तरीके से मनाना चाहिए।
तो लोगों की ये कैप्शन है कि लोगों के ये सारी चीजें देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई। आई होप सो आपको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू यूजर होगा प्लीज उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रात हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट रात हो गई, शाम हो गई है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यूजली अगस्त में हवाएं चलने लग जाती है लेकिन इस दफा अगस्त में बारिश भी हुई है। तो हमें ये लग रहा था कि आज बारिश होगी बट आज बारिश नहीं हुई। बट मौसम जो है, वेदर जो है वो बहुत ही कमाल का है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। बाकी मगरिब हो चुकी है और लोगों का रश बहुत ज्यादा है। इट मीन्स के मतलब सब ने जो है अपनी 14 अगस्त जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई है। अभी तो क्या हूँ, अच्छा चलो स्टार्ट है। अच्छा ये जो कॉलोनी है उसको मैं प्रमोट नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी है, जैसा कि इस कॉलोनी ने आवाम के लिए दरे खैबर बनाया है, उससे जब इंटर होते हैं तो कायदे आजम का मजार है। इसके अलावा फ्लैग लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब इट मींस के उन्होंने फुल एनवायरनमेंट दिया है। देखो अच्छा लगता है कि जब आप ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपको लगे कि आप कोई भी त्यौहार मना रहे। देखो ईद या बाकी चीजें, हर चीज खुशी गमी जो है वो आपके साथ साथ चलती है, लेकिन आप पीछे हट जाए। लेकिन 14 अगस्त क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हाँ ओए होए इसकी वजह से तो हम यहाँ पे है, अदरवाइज हम गुलाम होते। तो अगर हम इसी को ना मनाएंगे तो क्या फायदा, ठीक है। तो इसके आखिर नारे के साथ मैं इस वीडियो का वाइंड अप करती हूँ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फायदाबाद। तो फिर मिलेंगे कि नई वीडियो तो फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।